नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बटाला पुलिस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उन्होंने गांव ढिलवा के पूर्वकाली सरपंच दलबीर सिंह ढिलवा चर्चित कत्ल केस के मुख्य आरोपी मेजर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह गिरफ्तार कर लिए। दलबीर सिंह कत्ल मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहा था और पुलिस द्वारा इस पकड़े गए चौथे आरोपी के बारे में एसपी जसबीर सिंह रॉय ने पत्रकारों को यह जानकारी देते बताया कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दलबीर सिंह ढिलवा कत्लकांड का एक मुख्य दोषी गांव पंचगराइया के इलाकों में घूम रहा है। पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते इस इलाकों में अपनी पुलिस पार्टी गश्त पर लगा दी। उन्होंने बताया कि जब पुलिस पार्टी पंचगराइया से नहर किनारे गांव संग्रावे की तरफ जा रही थी तो उस रास्ते आगे से आ रहे दलबीर सिंह ढिलवा कत्ल केस के दोषी मेजर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव ढिलवा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी बटाला ने बताया कि दोषी को अदालत पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा जिससे उसके पास से इस केस संबंधित और भी जानकारी हासिल की जा सके। दलबीर सिंह ढिलवा वासी जी पिछले दिन कतल हो गया से, मुकदमा भी दर्ज कोर्ट सूतमलिया थाने होया से। उस दे विच असी चार जिहड़े व्यक्ति फड़े जा चुके हैं, उन्हां चों अजे पंज व्यक्ति जिहड़े गिरफ्तार करने बाकी ने। इन्हां दे विचों मेजर सिंह जिहड़ा असी अज गिरफ्तार किया है, इस दे अज इहनूं कोर्ट च पेश करांगे। कोर्ट च पेश करके दर मान हासिल करके इहदी पुछगिछ की जाएगी। पंचग्राही हैगा संगारामा, तो पंचग्राही दे विच इक रेस्ट हाउस पैंदा है, उहदे लागे एक डेयरी हाउस भी हैगा, उहदे लागे लाइट दे थले किते खड़ा सी। जदों साडी पुलिस पार्टी गई तां उत्थों इह पिछे नूं मुड़न लगा, लुकण दी कोशिश करन लगा, तो साडे जिहड़ी पुलिस पार्टी नूं काबू कीता, काबू करके उहदी गिरफ्तारी पा के असीं उस नूं अज कोर्ट च पेश करांगे। बताने योग्य यह है कि बीते साल 18 नवंबर 2019 को बटाला पुलिस के थाने कोटली सूरत मल्ली के अधीन आते गांव ढिलवा के पूर्वकाली सरपंच दलबीर सिंह का कत्ल हो गया था, जिसका मुकदमा 19 नवंबर 2019 को थाना कोटली सूरत मल्ली को मुकदमा नंबर 86 अंडर सेक्शन 302 148 149 आईपीसी 25 54 59 आर्म्स एक्ट अधीन मामला दर्ज किया गया था। आईजी बॉर्डर रेंज श्री एसपीएस परमार के नेतृत्व में ढिलवा कत्ल केस के लिए बनी विशेष जांच टीम की तरफ से इस केस की जांच की गई थी। उन्होंने बताया कि इस कत्ल केस में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस कत्ल केस के 3 दोषियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब चौथे दोषी जो कि मुख्य आरोपी है जो कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसपी रॉय ने बताया कि रहते दोषियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।